यशोमती मैया के नंदलाला। लल्ला रो क्यों रहे? अरे मैया को ना बताए को लल्ला, क्या हुआ? हाँ लल्ला, क्यों रो रहे लल्ला? बता, किसी ने कछु कही है क्या? क्या होगा लल्ला? मैं आपका लल्ला ना हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तू? क्या होगा? आपका भी लल्ला ना हूँ मैं। लल्ला कान्हा जी, क्यों कह रहे हो लल्ला? मुझे पता चल गया है, मैं आप दोनों का लल्ला ना हूं। कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो मेरा ही लल्ला है ना। आप मुझे हाथ से गिरा करके लाई हो। लल्ला, तुझे किसने कही कि हाट में बालक मिलते हैं? मिलते हैं, पूरी गैया का बालक भी तो हाट से ही आयो है। अच्छा, क्षण भर के लिए मान लिया कि हाट में बालक मिलते हैं, पर तुझे कैसे पता चला कि तुझे हाट से ही लेके आए? मेरा रंग देखो और फिर अपना हाथ देखो, मैं रात के अंधेरा जैसा हूँ और आप दिल की उजारी जैसी। पापा का रंग भी आप जैसा ही है, बस मैं ही बावला हूँ। उससे क्या अंतर पड़ता है लल्ला? पड़ता है, तभी तो दाऊ अन्य सभी सखाओ ने ऐसा कहा। इस बात पर ध्यान मत दे, माँ की ममता और बाबा का स्नेह, इसका कोई रंग ना हो तो है लल्ला। हाट से आया क्रय होके, सुन हो गए कृष्ण धीर, मैया गोरी बाबा गोरे। लल्ला, मैं क्यों शाम, चल मेरे साथ, अभी सिद्ध हो जाएगो कि तू मेरा ही लल्ला है। ये दोनों लल्ला और मैया का मन कछु समझ ही ना आता, कछु ना कछु उठपटांग करते ही रहते हैं। मैया ऐसे ले जा रही है मुझे कहां और क्यों? खाना आए हैं? कितने दिनों के बाद खाना आए हैं?
आंखें पथरा गई थी मार्ग देखते देखते। आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन करके मेरे वन का और मेरे मन का कोना कोना जैसे खेल उठा हो। बलराम, तुम्हारी योजना का भी कोई लाभ ना हो। योजना बना के छल में फंसाना मुझे नहीं आता। इस सब में तो केवल कान्हा ही प्रवीण है। कल उसने यशोदा काकी से हम सबकी शिकायत कर दी तो ले लग तो है कर ही दी। वो देखो, आजा। आज तूने अपने दाऊ से अच्छे से बात ना की। क्यों? दूध पीने के बाद अपने दाऊ के पास जा और ठीक से बात कर। मैं क्यों जाऊं मैया? उन्हें मुझे कितना कुछ बोला है। तेरे दाऊ की भावना तुझे दुख पहुंचाने की ना थी लल्ला, कब तक क्रोधित रहेगा? और वैसे भी वो है तो तेरे दाऊ ही ना। छोटा भाई है ना तुम्हारा, अच्छे से मनाएगो तो मान जाएगो। एक बार और प्रयास करके देखो। पहल करने से हम छोटे ना हो जाते लल्ला, और अपनों की भूल को हमें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को हृदय से लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। समझ आई? आप सही कह रहे हो छोटे पापा। बलराम का बल तो छोटे भाई से ही है। मैं अपने संबंध को और भी अधिक बलशाली बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आ रहा हूँ। मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। जा। कर दो काना। आप तो पहले ही क्षमा मांग चुके हो। पर तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? क्योंकि मैंने अपने दाऊ की आज्ञा ना मानी। नहीं काना, मैया की आज्ञा मेरी आज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ, एक दूसरे की भूल से ऐसे ही सीखेंगे, एक साथ बड़े होंगे दोनों भाई। सुनो जी, आपको पता है क्या बलराम ने इतने दिनों में क्या क्या सीखा है? भाभी बता रही थी कि सुबह स्वयं से ही उठ जाता है और तैयार भी हो जाता है। समय का आदर करना सीख लियो है इसने। मुझे लगता है कि गौचारण पे जाना बलराम के विकास के लिए सहायक बन रहा है। अपने कान्हा को गौचारण के लिए जाने से रोक के कहीं मैं कोई भूल तो ना कर रही? आइए आइए ना महाराज। ये कहां लेकर आई हो प्राप्ति?
मौन क्यों हो? मौन रात्रि रात्रि कौन है वहां? कौन है? और महारानी प्राप्ति कहां है? मैंने पूछा कौन है यहां? सामने आओ। मैंने पूछा कौन है यहां? सामने आओ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? कौन है तू? कौन हो तुम? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? मेरे सामने तलवार लहरा रहा है, इतना दुस्साहस? यदि तूने पलक भी झपकाने का प्रयास किया, मेरी यह तलवार तेरे रक्त से स्नान करेगी। कौन है तू? अपनी पहचान बता और सामने आ। महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। इसी क्षण अपने वास्तविक रूप में आ, अन्यथा तेरा ये शीश तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।